हाँ ये तो बस समझ नहीं आ रही मुजफ्फरनगर में मौसम कैसा है ना। कभी टी शर्ट, अभी मैं टी शर्ट में था पिछले व्लॉग में, मतलब जो आपने देखा होगा। अब उसके बाद ही जस्ट अभी नहा के आया हूँ, तैयार हुआ हूँ और अब पहननी पड़ रही है हुड, भाई पहन रहा जैकेट। खैर तो बात यह है कि टुमारो माई फ्रेंड प्रकाश फ्रॉम बनारस इज गोइंग बैक टू कहीं पे, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहीं भी जा रहा हूँ। मैं ही बना रहा हूँ तो भाई जा रहा है, तो भाई को अभी तक मैंने शुक्रताल घुमाया अपने मुजफ्फरनगर के सारे स्ट्रीट फूड के मजे दिलाए, सब कुछ खिलाया पिलाया घुमाया शहर। तो अब मैंने कहा जब सब कुछ घूमना फिरना खाना पीना आवारागर्दी हो गई तो क्यों ना थोड़े से धार्मिक चीज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाए। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि खाटू श्याम जी पे जहाँ मैं हमेशा जाता रहता हूँ वहाँ पर स्टार्ट हो गया फागुन का मेला, मतलब कल से स्टार्ट होगा वो। और मैं मेन मुजफ्फरनगर उसी के लिए आया था जो बात थी, क्योंकि 3 तारीख को यात्रा निशान यात्रा मेन में उसके लिए आया था, क्योंकि आपको पता है कि मतलब मुजफ्फरनगर में यात्रा हो और मैं उसका ब्लॉग ना बनाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं होएगा तो इसलिए मैं मेन आया था। तो कल से लेके 3 तारीख तक, वैसे तो 4 तक का है मेला, 4 को भंडारा है, पर 1 से लेके 3 तक मैं बाबा के दरबार में बाबा की सेवा में ही हूँ, वहाँ के लिए मैं बुक्ड हूँ। तो आज के लिए आज वहाँ पे चली तैयारियाँ, तो मैंने सोचा कि जो तैयारियां उनको भी दिखाता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ और प्रकाश को करा देता हूँ खाटू श्याम के दर्शन हमारे यहाँ, है ना। एक नंबर। और भाई मेरा पहले था एथिस्ट कुछ सालों पहले तक, है ना, और आज मैंने एक बार बोला कि भाई वहाँ चलेंगे, कह रहा हाँ भाई चलेंगे चलेंगे। व्हाट अ चेंज मैन, थैंक्स मैन। हिंदू तू की जय, जय सनातन धर्म। हंसने की बात नहीं है, इस बात को सीरियस लो, लोग बोल देते हैं ना हंसके क्यों बोल रहे हो, हंसने की बात नहीं, बी प्राउड हिंदू, हिंदू तू है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म। पर जाने से पहले स्ट्रीट फूड तो बहुत खिला दिया भाई को, मम्मी के हाथ खिलाता हूँ राजमा। तो भाई जाने से पहले जरा, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर आया बहुत टाइम बाद, तो मम्मी ने मेरे फेवरेट बनाए राजमा। और राजमे का मजा क्या है ना असली, जो बाहर नहीं मिलता, बताओ बाहर के घर के राजमा में क्या डिफरेंस है, जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बाहर के खाने में दिक्कत होती है। बाहर के राजमा खाया ही नहीं मैंने, या तो तेल बहुत ज्यादा डालते हैं, मोटी ग्रेवी होती है, है ना, और बड़ा राजमा होता है। और जो घर में बनते हैं ना वो होती है ग्रेवी पतली, देखो इनका जो मजा है ना, पिछली बार खाया था ना मैं, बहुत स्पाइसी भी नहीं खाते हम, जैसे पिछली बार का और ज्यादा टेस्टी था। कैसा लगा भाई, झूठ बोल रहा हूँ, इतना बदतमीज इंसान है, इतना राइस में लेता ही नहीं। मम्मी को कह रहा, एक बार पहले भी आया था ना, मम्मी को कह रहा कि अच्छा ये वाला, बट पहले वाला और अच्छा था, ये नहीं बोला मैंने, मैंने बताया क्या बोला, तो अच्छा ही लग रहा है, उस समय और भी मजा आया था, तो कह रहा दाल में तो अच्छे बना थी, उस समय ज्यादा भूख थी क्या था, मतलब आज अच्छा लगा, एक अच्छा होता है, एक बेटर होता है, एक बेस्ट होता है, तो ये सबसे नीचे वाले बेटर है, अच्छे के ऊपर, अच्छा बेस्ट, हाँ। और बेस्ट खा चुके हो, बेस्ट जो पिछली बार खाया, अच्छा तो तुम कर रहे हो कंपेयर, क्योंकि तुमने खा चुके हो अभी तुम, हाँ तो मैं कर सकता हूँ, मुझे टेस्ट मतलब रहता है मेरे, तो ऑल इन ऑल मतलब बुरा तो बोल ही पाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि मम्मी ने बनाया नहीं नहीं मैं समझ गया तुम्हारी फीलिंग, मतलब अल्टीमेट है, मजा आ गया। तो भैया पहुंच गए थे मंदिर और जस्ट आके रियलाइज हुआ कि आज मंगलवार है और सामने ही पड़ता है पहले हमारे बालाजी महाराज का मंदिर। दिखाता हूँ मुजफ्फरनगर का सबसे हैपनिंग प्लेस है वैसे देखा जाए, क्योंकि मैंने ना एक बार नोट करी है यहाँ कुछ बन रहा है, हैपनिंग इसलिए कि मंदिर में सबसे हैपनिंग, यहाँ मैं जब भी आता हूँ ना कुछ होता ही रहता है भाई, होता ही रहता है। ये अपना बालाजी धाम और इसको भी सजाया हुआ है, देखो है ना अलग ही माहौल, सामने खाटू श्याम मंदिर वहाँ चलेंगे, भीड़ से ना मंगलवार है। ऐसा माहौल है मंदिर में, देखा हो आपने कितना मजा आ रहा है यहाँ चल रहा संकीर्तन, बहुत ही अजीब बात लगी मुझे आज, आज तक मैं बालाजी धाम में ऊपर नहीं आया था, मुझे बताया था कि ऊपर मंदिर भी है, आज ऊपर आया हूँ फर्स्ट टाइम, ऊपर भवन है अच्छा है। तो मैं बता रहा था कि चल रही है फगुन मेला की तैयारी, वो चल रही है बहुत जोरों शोरों से, क्या माहौल है, क्या खतरनाक, क्या सजाया हुआ है मंदिर। जी ऊपर वाले फ्लोर पे थे श्री प्रेतराज महाराज, फर्स्ट टाइम गया हूँ, बड़ा अच्छा लगा जाके, और बड़ा अच्छा सा वो है भवन बना हुआ, कैसा लगा भैया तुम्हें हमारा बालाजी धाम, मजा आ गया, मंत्र मुग्ध, ये जो बालाजी धाम है इसमें जो सीधे ना मूर्ति, ये मूर्ति निकलती यात्रा जो आसपास के एरिया में ना सबसे बड़ी यात्रा जो होगी, मतलब सुबह स्टार्ट होती है 9 बजे अराउंड, जिस पर लास्ट ईयर हुई थी सुबह 9 बजे निकली थी पूरे शहर में, अगले दिन सुबह 10 बजे पहुंची थी पूरे शहर को, हाँ, और यात्रा में जो हनुमान जी की मूर्ति है ना उसको रखते हैं पे रथ पे, हाँ, और उस रथ को खींचते हैं हाथों से रस्ते से, बहुत ही खतरनाक, हाँ, इसका मैंने ब्लॉग बनाया तुम भी देखना, और तुम लोगों ने नहीं देखा तुम भी देखना, प्राइवेट में आ रहा होगा। अब चलते हैं श्री खाटू श्याम जी पे, और अंदर चल रहा है संकीर्तन, वो भी दिखाते हैं और कराते हैं आपको श्याम भगवान के दर्शन।
आज तो भीड़ बहुत रखी है। तो भैया बाबा शाम के दरबार में तो एज यूजुअल हमेशा की तरह ही बहुत ही भव्य संगीतन चल रहा है, जो लोग आपस में कर रहे हैं बैठ के, वहाँ आज तो बहुत ही भीड़ रखी। और मंदिर तो आज देखने लायक सजा हुआ, देखने लायक इतना बढ़िया सजा रखा है, बढ़िया लग रहा है ना, लग रहा है मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना सजा हुआ मैंने। इसके मैं लूँगा कल ड्रोन शॉट, तब मेरा लगेगा ना ड्रोन शॉट। हाँ इसी टाइम जाओ भाई हमारे मुजफ्फरनगर नरेश जी दर्शन। बाबा के दरबार में ये दरबार रोज लगता है ये अंदर, और आज गा रहे थे हमारे मयंक धीमान जी। ये रोज का है, ये तो रोज का है। उसके बाद फंक्शन, वो तो फंक्शन होता है यहाँ पे इस वाले एरिया में, और वो इतना बड़ा फंक्शन होता है ना कि तुम ये तो रोज होता है, ये तो रोज है बाबा की भक्ति का। हाँ हर दिन, और मेन वाला यहाँ होता है। और कल तो भाई साहब बैठकर यहाँ लोग बैठे होंगे, वहाँ तक लोग बैठे होंगे, वहाँ लोग बैठे होंगे, किसी को जगह नहीं मिलेगी वो खड़े होंगे। कल से माहौल अलग हो गया यहाँ का। जो निकाली रहा था यहाँ से अपने यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर मिलकर, भाई का नाम हर्ष गुप्ता, देखता वीडियो जी देखते हैं। ये सबसे अच्छी कौन सी लगी थी तेरे? कवर्ड वाली, कवर्ड वाली जी। चलो ऐसी देखते रहना, फोटो बना के रखना। जय श्री राम, जय श्री राम जी। देखो जो मैं कह रहा था, जो मैं इतने से बता रहा हूँ आपको कि होली का मेला स्टार्ट हो गया है। हाँ ये वाले बंदे घर थे अंदर, बाकी और आर्टिस्ट आ रहे हैं बाहर से। पूर्णिमा जी आ रही हैं, पूनम दीदी, ब्रज रस अनुरागी, नरेंद्र कौशिक, मयंक धीमान आई अपने, महेश परमार जयपुर से आ रहे हैं। और कल का शेड्यूल ये है, कल होगा केसर चंदन होली वाला संकीर्तन, फिर है मेहंदी, फिर है निशान यात्रा, जिसके लिए मैं मेन आया हूँ। तुम यहाँ पर रुक नहीं रहे, अगर तुम यात्रा देख लोगे ना पागल हो जाओगे। 4 मार्च पे भंडारा, उसमें शायद मैं नहीं होऊंगा, बट 1 से लेकर 3 तक मैं यही हूँ बाबा के दरबार में, बाबा की सेवा में। मैं भी जा रहा हूँ बाबा की सेवा में। और मंदिर तो क्या बढ़िया सजा है, बढ़िया। तुम भी जा रहे हो ना? बताइए तो, उज्जैन जा रहा हूँ ना। बस एक काम करना, उज्जैन से एक छोटा ब्लॉग बना के भेज देना, डाल लूंगा। मिनी ब्लॉग। मंदिर देख के मजा आ गया ना यार, तो बहुत सारा लगा, मजा ही आ गया। मतलब इतने वो रखे हैं, लीन भक्ति में लीन। चलो फिर हो गए दर्शन, चलते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कल धुलवा दी गाड़ी? सर बारिश हुई कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए, इसलिए हुई थी कि मैंने कल गाड़ी धुलवा दी ना। बारिश हुई कैसी थी वो? टिप टिप टिप। गाड़ी तो गंदा होना ही था, क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी धुलवाता हूँ ना तो इंद्रदेव भगवान को लगता है आज गाड़ी धुल गई, आज कराओ बारिश। थोड़ी सी भी, कोई रीजन नहीं था, कोई मौसम नहीं था फालतू की बारिश, सिर्फ गाड़ी गंदी करने के लिए। ये है इंद्र भगवान से मेरा सीन। बंदी पाजन से आंकड़ा। तो बात क्या थी भैया? हो गया है सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून में उठे हैं। आज ने बोला मम्मी को टाइम हो रहा होगा 1 बज रहे होंगे, आंटी गुड मॉर्निंग। मम्मी का रिप्लाई क्या? बिल्कुल, मम्मी का रिप्लाई बिल्कुल सामने से 6 बजे वाला, गुड आफ्टरनून हो रही है। तो खैर उठ चुके हैं भैया, और अगला दिन हो चुका है, एक दो काम है वो कराने मुझे, और प्रकाश को लेके जा रहा हूँ मैं एक शॉप, क्योंकि प्रकाश को थोड़ी सी करनी शॉपिंग है ना, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी शॉपिंग जो होती है। हाँ तो शॉपिंग के लिए भाई को करनी थोड़ी लेनी टोपी वगैरह, थोड़ा चश्मे वगैरह। तो मैंने कहा भाई अपने शहर की एक खतरनाक दुकान है जहाँ पर लॉन्डो के लिए ऐसा सामान मिलता है ना कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। जो सामान दिल्ली मतलब ऑफिस दिल्ली से आता है, पर एक ही दुकान के नीचे सब कुछ मिलता है वहाँ, सारा सब कुछ, सब कुछ, हर एक माल 10 रुपए। तुम सोचोगे कि भाई मैं जाता हूँ लेने के लिए टोपी, तुम सोचोगे भाई लेके आता हूँ टोपी खाली, पर तुम लेके आओगे 4 सामान और। नहीं 100 रुपए ही लेके जा रहा हूँ। कोई नहीं, अभी दिखाता हूँ दुकान कौन सी है। और उससे पहले जरा मुझे पापा का फोन ठीक कराना है, उसको पढ़ा देते हैं फिर चलेंगे आगे। तो यू है जी हमारा फोन, और यह फोन का हो रहा है बटन खराब ही वाला, करने का जो बटन हुआ कर ये हो रहा खराब। मजा की भाषा है यो, यो कैसे कहते हैं, यो 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 हो रहा है खराब, यो हो रहा खराब। अरे यो है अपना बालाजी चौक, और इसमें अंदर है दुकान, तो फिर लग गया बालाजी महाराज के भी कर लो दर्शन। जय हो बालाजी महाराज की। यहाँ है जी दुकान किशोरी जिम के सामने, ग्रोवर वालों की, यहाँ से सारा सामान लेता हूँ, कराता हूँ कहाँ पे काम में। तो भैया फोन पकड़ा दिया और गाड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि शहर में गाड़ी का धर्म है नहीं, और भाई को घुमाऊंगा अपना शहर ई रिक्शा में, ई रिक्शा में लाऊंगा तुम मजे। तो पहुंच गए भैया शॉप पे, शॉप दिखाता हूँ, देख के समझ जाओगे, तो शहर के लोगों को समझ जाएंगे। इतना सामान मिलता है ना ब्रो, ये है अरोरा लेदर्स,
वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर नीड्स। ये देखो दुकान, यहाँ सारे सामान मिलता है लड़कों का, कैप से लेके वो परफ्यूम बेल्ट हर चीज, चश्मे हर चीज मिलते हैं। एंड नंबर ऑफ चॉइसेस है, एंड नंबर ऑफ चॉइसेस दिखाना। अरे वाह, काफी लाना। आगे टोपी बनकर स्टार्ट, बढ़िया। इसका मतलब क्या है? ऊपर लिखा डब्लू वाइल्ड क्राफ्ट वुमेन, बदतमीज लौंडे अश्लील। खैर दिया, बात ये हुई कि उल्टा जाना पड़ा एकदम से। बाकी भी इसका मतलब बिन है, बिन है डब्लू का मतलब है बिन, और भी हो सकता है। बात क्या है कि मेरे चाचा जो है उनको जाना है मेरी गाड़ी लेके जाना है काम से, पास में शहर के गांव पड़ता है पीना, हमारा भी गांव लगता है, तो वहां जा रहे हैं। तो उनको मुझे गाड़ी पकड़ानी है और उनसे बाइक लेनी है, तो फिर बाइक पे घूमेंगे आज आगे। एक तो पता नहीं शहर में रिश्ते जाम रहता है, देखो बीच में जाते हैं गाड़ी, क्या लिखा हो पीछे? रुद्रांश, रुद्रांश के पापा समझ जाओ, रुद्रांश के पापा बेवकूफ है, ऐसी जगह पे गाड़ी नहीं लेकर बाबू। देखो फोन भी उठा लिया, फोन ठीक हो गया। देखो एक नंबर, इस शॉप पे दिखा दूंगा आपको। ए टू जेड सामान, मोबाइल से रिलेटेड स्पीकर जो भी होता है ए टू जेड सामान मिलेगा। क्या बोलते हैं हब, वन स्टॉप सॉल्यूशन। अरे इधर का गफ्फार है, गफ्फार इधर का गफ्फार है। बाकी में लो जी अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं। भाई का नाम शिवम, शिवम देखते हो बड़े लगती है वीडियो सारी, ऐसे देख रहे सबको दिखाने यार, सबको दिखा रहे हैं। ये भी सब्सक्राइबर है अपने। भाई का नाम क्या है? तुषार, तुषार भाई देखते रहना। नाम लेके आए थे मुकुल भैया के, लोग देख के रिपेयरिंग करें थे, फोन किया था मैंने पूछना आपसे। अरे वाह क्या बात है, बढ़िया। अरे बात सही भी है की दुकान ऐसी है ना अपनी, सारा सामान मिलेगा ना, फिर कल से शायद ही कोई सामान मोबाइल को जो ना मिले सब मिलेगा है ना। भैया घूम ले बहुत, बाइक पे बहुत घूमे, पर बाइक पे लॉक करते के लिए चाहिए होता है स्पीकर, वो सॉरी स्पीकर कर रहा हूँ, माइक चाहिए होता है, आवाज़ आने रही थी। तो बाइक को घुमाई दो जगह मैंने, रुक जाओ यार आवाज़ आएगी, एक दो जगह मैंने घुमाया बाइक को और फिर फाइनली दिखाना रहता था। सारी दुकानें बंद है, दुकानें बंद इसलिए हैं क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी जो हमारे शहर में है, तो बाइक को वो दिखाने लाया था। गुड़ तो खिलाते हैं? अच्छा वो तो बताओ, गुड़ गुड़ खिलाऊंगा, गुड़ घर रखा हुआ है, गुड़ भी खिलाएंगे तुम्हें। भाई को दो दिन हो गए हुए और ये हमारे यहाँ की भाषा बोल रहा है, वो कैसे बोलते हैं? दो दिन तो हो गए आए हुए लेकिन ये बदतमीजी क्या है, यो का पूछ रहा है? यो कहाँ जा रहा है, लेके आ रहा? अरे वो क्या था, और गुद्दी छेद देंगे, गर्दन में छेद ही कर देंगे। ये क्या मतलब है, गुद्दी छेद दूंगा तेरी। बढ़िया चलो, बनारसी बाबू हमारे मुजफ्फरनगर की भाषा सीख गए। खैर तो इसी के साथ आपसे लोग कहीं पेंट करते हैं फिर, और अगला ब्लॉग होने वाला है, फागुन मेला स्टार्ट हो गया तो बहुत बड़ा संकीर्तन, और फर्स्ट डे जो होने वाला है वो है होली खेलने वाला संकीर्तन, मतलब होली खेलेंगे वहाँ पे, तो आज शाम को वहीं पे जाएंगे हम। बट इस ब्लॉग को इंपेंड करते हैं वरना ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो डायरेक्ट शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है और उसको ऑल पर सेट करना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक में और हर जगह फैला दें। मिलते सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।